बिल्कुल, हम अपने बंगाली भाइयों के साथ जो सारे एकजुटी कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी कामयाबी अपने जद्दोजहद के नतीजे हासिल किए। सर, उम्मीद की किरण तो हमने बांग्लादेश से जो है वो हासिल की है। पाकिस्तान में इस वक्त आप देख सकते हैं कि मरी रोड के ऊपर हाफिज साहब जो है गुज़िश्ता 12 दिनों से जो है धरना देके बैठे हैं, और गुज़िश्ता 5 दिनों से हम यहाँ गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना देके बैठे हैं, और इंशाल्लाह अनकरीब 2 दिन के बाद वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी करेंगे, और फिर दीगर शहरों के अंदर भी जो है उनके हेडक्वार्टर्स पे जो है वो धरना स्टार्ट होगा। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। देखिए जी, मैं मौजूद हूँ गवर्नर हाउस के बाहर जहाँ पर जमात इस्लामी का धरना जारी है। हमारे पीछे देख रहे हैं कि नौजवानों की तादाद यहाँ मौजूद है और बांग्लादेश के झंडे लेकर आए। इनसे मालूम करेंगे आखिर जमात इस्लामी के धरने में गवर्नर हाउस के बाहर जो धरना इनका चल रहा है, बांग्लादेश का झंडा आखिर क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या है बांग्लादेश का झंडा लेकर आया? बिल्कुल, हम अपने बंगाली भाइयों के साथ जो सारे एकजुटी कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी कामयाबी अपने जद्दोजहद के नतीजे हासिल किए, उनसे एकजुटी के लिए जो आज हम उनका झंडा लेकर आए। इतने सारे यूथ को लेकर आ गए गवर्नर हाउस के बाहर, आखिर क्या उम्मीदें लेकर आए? सर, उम्मीद की किरण तो हमने बांग्लादेश से जो है वो हासिल की है, और पाकिस्तान में इस वक्त आप देख सकते हैं कि मरी रोड के ऊपर हाफिज साहब जो है गुज़िश्ता 12 दिनों से जो है धरना देके बैठे हैं, और गुज़िश्ता 5 दिनों से हम यहाँ गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना देके बैठे हैं, और इंशाल्लाह अनकरीब 2 दिन के बाद वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी करेंगे, और फिर दीगर शहरों के अंदर भी जो है उनके हेडक्वार्टर्स पे जो है वो धरना स्टार्ट होगा। हम आवाम को ये शऊर दे रहे हैं कि वो अपने हक के लिए निकले, जो इस वक्त जालिमाना टैक्स की सूरत में जो हमारे बिजली के बिलों में जो टैक्स लगाए गए हैं, हमारी रोजमर्रा की चीजों पे जो टैक्स लगाए गए हैं, उससे जान छुड़ाने के लिए, आवाम को सुकून देने के लिए हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो निकले, उनको उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं ताकि वो निकले और बांग्लादेश की तरह इस हुकूमत का भी जो है। भाई, जिस तरह हम देख रहे हैं बांग्लादेश को, जैसे यूथ ने एक काबू कराकर अपने मुल्क को फतह किया, इसी तरह आपकी यूथ है और नौजवानों की इकट्ठा अभी तक लेकर आए गवर्नर हाउस में, मगर हम ये नहीं देख रहे कि मुतालबात तो नहीं मानी जा रही गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, ये बात तो हकीकत है कि पूरी दुनिया में जब भी कोई इंकलाब बरपा हुआ है तो वो नौजवानों के जो है वो तवस्सुस से बरपा हुआ है। वो अफवाह, वो अख्वामुल मुस्लिमीन का मामला हो, वो मिस्र का मामला हो, वो बांग्लादेश का मामला हो, वो इस वक्त दीगर ममालिक के अंदर जो हो रहा है वो सारी चीजें, और यहाँ पे जो है नौजवान एक बड़ी तादाद में निकले हैं, और हमारा ये मुतालबा, और इंशाल्लाह हम अपना मुतालबा जो है वो मनवा के रहेंगे। अवामी कुव्वत के आगे तो कोई भी नहीं चल सकता, अवामी कुव्वत के आगे तो सारे ही ढेर हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह हम अवाम को मोटिवेट कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको हम निकालेंगे और एक बड़ी तादाद में जो एक बहुत बड़ी जो है ना तहरीक चलाएंगे, और उसके नतीजे हम इस हुकूमत का सफाया करेंगे। हमारे पीछे जिसमें आप देख रहे हैं कि बंगाली भाई की जानिब से अब बांग्लादेश के झंडा पे जिस तरह लहराया जा रहा है, उनका ये कहना है जिस तरह बांग्लादेश को बांग्लादेश के यूथ ने आजादी दिलाया, इसी तरह हम कराची और पाकिस्तान को भी आजादी दिलाएंगे। आप पीछे देख रहे हैं यूथ की कितनी भरमार है, अकब में आप देख सकते हैं नौजवानों की एक भरमार है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा, अपने मेजबान अयान को दिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।